तुम्हारी परीक्षाओं के उदाहरण से ही कलयुग में लोगों की भक्ति को प्रकाश मिलेगा। तुम्हारी यात्रा ठीक वैसी ही यात्रा है जैसे मेरे नंद के गोपाल, यशोदा के कान्हा, राधा के कृष्ण और ब्रज के बिहारी बनने की यात्रा थी। इस यात्रा के बाद मैं मीरा के गिरधर गोपाल के नाम से भी जाना जाऊंगा। और तुम्हारे पिछले जन्म की इच्छा को पूर्ण करूंगा। किंतु शीघ्र इस कठिन यात्रा में तुम बिल्कुल अकेली होगी, इसीलिए मुझे बताओ मीरा, क्या बिना और किसी की सहायता के तुम इन कठिन परीक्षाओं से गुजर पाओगी? क्या तुम तैयार हो? क्या बिना और किसी की सहायता के तुम इन कठिन परीक्षाओं से गुजर पाओगी? हाँ मेरे गिरधर गोपाल, हाँ, क्योंकि मैं जानती हूं कोई मेरे साथ रहे या ना रहे, आप सदा मेरे साथ रहेंगे, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। अकेले परीक्षाओं को सहूंगी, तभी तो सारे संसार को पता चलेगा कि मीरा अकेली नहीं, उसके गिरधर गोपाल सदा उसका हाथ थामे रहते हैं। तब जाओ मीरा, प्रमाणित कर दो पूरे संसार को कि सबके कृष्ण कन्हैया मीरा के गिरधर गोपाल भी हैं। उदा भाई साहब, कोई भला जल में इतने देर जीवित कैसे रह सकता है? ये कोई चमत्कार था या फिर नई रानी सा का कोई छलावा? गिरधर गोपाल की मूर्ति यहाँ नहीं तो वो वहां कैसे? बाईसा, अब क्या आपको भी मीरा बाईसा की भक्ति पर विश्वास हो रहा है? अविश्वास तो मुझे उनकी भक्ति पर कभी था ही नहीं बिंदिया। गिरधर गोपाल की जय! और ना ही मुझे इनकी भक्ति से कोई आपत्ति है। अगर मुझे आपत्ति है तो वो केवल इनके भक्ति भाव में विलीन होकर हमारे परिवार और रानी की मर्यादाओं को लांघने से। अगर मुझे आपत्ति है तो वो इनके मेरे भाई साहब भोजराज की जगह अपने गिरधर गोपाल को अपना स्वामी मानने से। पर कुंवर साहब को तो इससे कोई आपत्ति नहीं, भाई साहब का साथ है, इसीलिए तो कुलगुरु ने इन्हें अवसर भी दे दिया, साधु संतों ने भी इनकी भक्ति को मान लिया, और एक बार के लिए मैं भी इनकी भक्ति को स्वीकार कर लूं। परंतु हमारे परिवार में और इस पूरे समाज में ऐसी भक्ति को कोई स्वीकार नहीं करेगा जिसमें मर्यादाओं का उल्लंघन हो। आप चिंता मत कीजिए मीरा भाई साहब, आज गुरुजी ने आपकी भक्ति को समझा है, जाना है, धीरे धीरे पूरा समाज आपकी भक्ति को समझ जाएगा। मीरा भाई साहब, मुझे क्षमा कीजिएगा। क्षमा नहीं गुरुदेव, आप तो गुरु हैं और आप ही ने मुझे अवसर दिया है कि मैं अपनी भक्ति प्रमाणित कर सकूं कि गिरधर गोपाल मीरा के गिरधर गोपाल है। बोलो गिरधर गोपाल की जय! गिरधर गोपाल की जय! मीराबाई ने जल समाधि की परीक्षा के बाद अपनी भक्ति के ऊपर उठने वाले सभी प्रश्नों पर पूर्ण विराम लगा दिया था। इतना ही नहीं, उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी थी। किंतु जैसा प्रभु ने मीरा से कहा था
अब उनके पति का साथ उनसे छूटने वाला था और वो इस यात्रा में अकेली रह जाने वाली थी। क्यों गजानन, क्या होने वाला था ऐसा? क्या भोजराज भी मर्यादाओं के कारण मीरा का साथ देने से पीछे तो नहीं हटने वाले थे? जबकि उन्होंने तो मीरा का सदा साथ देने का वचन दिया था। ये वचन तो उन्होंने निभाया, पर अपना दूसरा वचन ना निभा सके, कभी भी मीरा को स्पर्श ना करने का। किंतु क्यों गजानन, क्यों हुआ ऐसा? कभी कभी परिस्थिति ऐसा ही संयोग प्रस्तुत कर देती है। कठिन समय में जो भी किया जाता है उसके अच्छे और बुरे दोनों ही परिणाम संभव होते हैं, और मीरा के जीवन में तो विकट परिस्थितियों की जैसे एक श्रृंखला ही बन गई थी। सुख के पहले दुख सामने आ जाते थे। कुंवर साह, वो रणभूमि। रणभूमि में क्या, बताओ मुझे। भाविसा के पिताजी राव रतन सिंह जी रणभूमि में वीर गति को। ये तो हम सभी के लिए बहुत ही दुखद समाचार है। नहीं उदा भाईसा, ये दुखद नहीं, ये तो सुखद समाचार है। ये तो लौकिक संबंध है, मृत्यु तो देह की होती है, किंतु आत्मा, आत्मा अजर है, अमर है, अनश्वर है। और जब पिताजी सा हरि चरणों में है तो फिर शोक कैसा मनाना। उन्हें तो वीर गति प्राप्त हुई है, ये तो गर्व की बात है ना उदा भाई सा। मीराबाई की भक्ति में ही नहीं, इनके इन शब्दों में भी शक्ति है। मैं राज परिवार का भाग हूं, योद्धा हूं, इसलिए मुझे भी युद्ध भूमि में जाना होगा। परंतु भाई सा, यदि आप भी युद्ध भूमि में चले गए तो राज्य का ध्यान कौन रखेगा? राज्य का ध्यान रखने के लिए राज्य की रक्षा जरूरी है, इसीलिए मुझे जाना होगा, ये मेरा कर्तव्य है। भाई साहब मेरी बात नहीं मानेंगे, परंतु आपकी बात कभी नहीं डालेंगे भाभी साहब। आप ही रोकिए ना इन्हें, हमारे परिवार में से सभी पहले से ही युद्ध भूमि में हैं। किंतु शीघ्र इस कठिन यात्रा में तुम बिल्कुल अकेली होगी, इसीलिए मुझे बताओ मीरा, क्या बिना और किसी की सहायता के तुम इन कठिन परीक्षाओं से गुजर पाओगी? तो क्या कुंवर साह का जाने का संबंध उससे है जो जो प्रभु ने कहा था? क्षमा करना उदय भाई साहब, किंतु आप जो चाहती है वो मैं नहीं कर सकती। मेरे दादाजी साहब ने मुझे सिखाया था कि इंसान को उसके कर्तव्य पर अडिग रहना चाहिए और दूसरों को उनका कर्तव्य निभाने की पूरी छूट देनी चाहिए। आपके भाई साहब एक योद्धा है, युद्ध भूमि में वीरता दिखाना इनका धर्म और कर्तव्य दोनों है, तो मैं इन्हें ये करने से कैसे रोक सकती हूं भाई साहब? किंतु हां, मैं एक काम कर सकती हूं। मैं अपने गिरधर गोपाल से प्रार्थना कर सकती हूं कुंवर साहब और चित्तौड़ की रक्षा के लिए। ये तुलसी माला अपने साथ रखिएगा, ये गिरधर का आशीर्वाद बनकर रणभूमि में आपकी रक्षा करेगी। इस प्रकार
मीराबाई ने भोजराज को विदा किया। उन्होंने युद्ध भूमि में वीरता का प्रदर्शन किया, किंतु उन्हें एक गंभीर आघात भी लगा। वो तो अपने अंतिम समय तक लड़ना चाहते थे, किंतु उनके पिताजी के आदेश पर उन्हें लौटने के लिए विवश होना पड़ा। हमने कहा था ना आपसे, रोक लीजिए भाई साहब को, लेकिन आपने हमारी एक नहीं सुनी। अब देखिए कितने घाव लगे हैं हमारे भाई साहब के शरीर पर। परुदा भाई साहब, योद्धा के शरीर के घाव उसकी वीरता की निशानी होते हैं। मीरा भाई सही कह रही है, जितने घाव मुझे लगे उसे कई गुना अधिक घाव मैंने अपने शत्रुओं को दिए। आपको तो आपके भाई साहब पर गर्व होना चाहिए। कुंवर साहब तो लौटना भी नहीं चाहते थे, महाराणा जी का आदेश था इसलिए लौटे। मेरे भाई साहब ने तो कुंवर साहब होने का धर्म निभा दिया, अब आप भी रानी साहब होने का धर्म निभाइए। ध्यान रखिए इनका, अपने गिरधर गोपाल की सेवा तो आपने बहुत कर ली भाभी साहब, अब सेवा की आवश्यकता मेरे भाई साहब को है। हाँ उदा भाई साहब, मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगी, आप चिंता ना करें। गिरधर की दया दृष्टि और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ था, इसीलिए तो जीवित वापस आया हूं। मैंने आपको वचन दिया था आपकी सहायता करूंगा, किंतु अब देखिए आप मेरी सहायता कर रही, मेरी सेवा कर रही, जबकि नहीं कुंवर साहब, प्रभु की इच्छा बिना कुछ नहीं होता। ये जो भी हो रहा है उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। अब आप भी उनकी भक्ति कर रहे हैं तो मैं प्रभु भक्त की सेवा कर उन्हीं की तो सेवा कर रही हूं। पत्नी के नाते ना सही, किंतु मीराबाई ने एक भक्त के नाते दूसरे भक्त की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी और भोजराज के घाव अब भरने लगे। किंतु प्रभु, आपने तो कहा था कि मीराबाई भोजराज के साथ से वंचित होने वाली थी। हाँ पुष्पदंत जी, अब वो घड़ी भी निकट थी। भोजराज के जीवन में कुछ ऐसा घटने जा रहा था जिससे वो कभी नहीं उबर पाए। संभालिए संभालिए कुंवर साहब, संभालिए। आइए कुंवर साहब, मैं ले चलता हूँ। नहीं देवमल, आज कोई सहारा नहीं, आज मैं खुद चलकर जाऊंगा गिरधर गोपाल के दर्शन के लिए। अरे कुंवर साहब, मुझे अपनी सहायता से मत रोकिए। नहीं मित्र देवमल, अब तो मैं स्वस्थ हूं, अपने पैरों पर चल सकता हूं। कुंवर साहब, बड़े दिनों बाद गिरधर गोपाल के दर्शन होंगे। गिरधर गोपाल, मैं आपके दर्शन का सुख पाने आया। मीरा!
मैं वचन देता हूँ, मैं वचन देता हूँ प्रभु की इस मीरा को स्पर्श भी नहीं करूंगा, स्पर्श भी नहीं करूंगा। क्षमा क्षमा कर दीजिए मुझे, मेरा वचन भंग हो गया। कुंवर सा, कुंवर सा, दरवाजा खोलिए, कुंवर सा। वचन तोड़ने का दंड मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। खोलिए। मैं वचन देता हूं प्रभु की इस मीरा को मैं स्पर्श भी नहीं करूंगा। कुंवर सा मेरी बात सुनिए, आपने कोई पाप नहीं किया। वचन तोड़कर जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है मुझे। कोई वचन नहीं तोड़ा आपने, आपने तो मेरे प्राण बचाए हैं। ऐसा मत कीजिए, खोलिए द्वार। अब जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है मुझे, कोई अधिकार नहीं है मुझे। वचन तोड़कर जीवित रहने का कोई हक नहीं है मुझे। व्यर्थ है मेरा जीवन, व्यर्थ। मीरा बाई के प्राण बचाने की खुशी भोजराज की वचन भंग करने के दुख को ना भर सकी। ग्लानी ने ऐसा आघात किया उन पर कि वो कुछ दिन तो अपने कक्ष में ही बंद रहे। फिर सबके कहने पर जब द्वार खोला तो स्थिति अच्छी ना थी। घाव भरने से जो स्वास्थ्य सुधरने लगा था वो फिर बिगड़ने लगा और कुछ ही समय में ऐसी स्थिति हो गई कि वो फिर से चलने फिरने में असमर्थ हो गए। और फिर एक दिन उनकी स्थिति कुछ अधिक ही बिगड़ गई। ये हाथ जिसकी वजह से मेरा वचन भंग हुआ, इसे मेरे शरीर से अलग हो जाना चाहिए। ऐसा मत कहिए, आवन भाव से किया हुआ कोई भी कार्य भला पाप कैसे हो सकता है। इसीलिए आप ग्लानि ना करें, आप तो धन्यवाद के पात्र हैं, आपने मेरे प्राण बचाए हैं। और वैसे भी आप सदा अपने वचन पर अटल रहे, कभी मन को मैला नहीं होने दिया, तो फिर ग्लानि क्यों? आप इस दुख को अपने मन से दूर कीजिए और जल्दी से ठीक हो जाइए। कुंवर सा, नहीं, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। इस कलयुग में पत्नी के सम्मान में अपनी इच्छाओं का त्याग कोई महान व्यक्ति ही कर सकता है। भोजराज संसार के सामने एक महान उदाहरण थे, किंतु उनकी यही महानता अब उन्हीं पर हावी हो रही थी। भोजराज को मीरा समझाती रही पर वो ना समझे और स्वयं को कोसते हुए अपनी मृत्यु की कामना करने लगे। मित्र भोजराज, आपको विश्राम करना चाहिए। नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं मंदिर जाना चाहता हूं। मित्र भोजराज, नहीं, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं नहीं चाहता कोई भी मेरे साथ चले। भाई साहब,
कुंवर साहब, आप यहाँ क्यों आए? मुझे बुला लिया होता। कुंवर साहब, मेरे बुलाने पर आप तो आ जाते, पर ये कहाँ थे? नहीं कुंवर साहब, ऐसा मत कहिए। भक्त जब भी पुकारते हैं, प्रभु दौड़े चले आते हैं। आते हैं, पर आप जैसे महान भक्त की पुकार पर, आपकी महानता ही है ना कि मेरे वचन तोड़ने पर आपने मुझे क्षमा कर दिया, किंतु अब इस अपराध बोध के साथ नहीं जी सकता। मैं चाहता हूं मैं अपने प्राण त्याग दूं। वैसे भी मुझे लगता है कि अब मेरा समय आ गया है। आप ऐसा मत कहिए। नहीं मेरा भाई साहब, आप कुछ मत कहिए। मैं आपसे पहली और अंतिम बार कुछ मांगना चाहता हूँ। मना मत कीजिएगा, मैंने आपको गुरु माना, गुरु गोविंद तक पहुंचाते, मेरे जीवन का उद्धार कर दीजिए, मुझे गिरधर के दर्शन करवा दीजिए। आप तो परम भक्त हैं उनकी, मेरी गुहार गिरधर तक पहुंचाइए। यदि मुझसे कोई पाप नहीं हुआ तो गिरधर मुझे दर्शन दे, इतनी कृपा करवा दीजिए। मैं प्रार्थना करूंगी अपने गिरधर से, आपके लिए अवश्य प्रार्थना करूंगी। शीघ्र इस कठिन यात्रा में तुम बिल्कुल अकेली होगी, क्या बिना और किसी की सहायता के तुम इन कठिन परीक्षाओं से गुजर पाओगी? मुझे तो आप में ही प्रभु गिरधर गोपाल दिखते हैं। आपसे ब्याह करने में मेरा भी स्वार्थ था, मैं सच्ची भक्ति का मर्म समझना चाहता था जो मुझे आपकी भक्ति से मिला। संसार की नजरों में हमारा ब्याह हुआ है, आप मेरी पत्नी हैं, पर मेरी आंखों में आज से आप मेरी गुरु। गुरु होने का धर्म निभाया मीरा ने, भोजराज को गोविंद से मिलवाया, किंतु भोजराज के चले जाने के पश्चात मीराबाई के जीवन में अनेक कठिनाइयां आने वाली थीं। ऐसा क्या होने वाला था प्रभु? भोजराज की मृत्यु के बाद चित्तौड़ ने अनेकों योद्धाओं को खोया। पहले राणा सांगा जी का देहांत हुआ, फिर मीरा के देवर राणा रतन सिंह की भी मृत्यु हुई। बस उनके छोटे देवर विक्रमादित्य ही बचे, जो राणा की उपाधि लेकर चित्तौड़ पहुंचे।
तनिक सी बात पे इतना भयभीत हो जाना चित्तौड़ के सैनिक को शोभा नहीं देता, और जो अपने स्थान पर उचित नहीं होता उसे मैं वहां रहने नहीं देता। चित्तौड़ के सैनिकों में बल चाहिए, साहस चाहिए, कौशल चाहिए, और अगर वो उसमें नहीं है तो उसे वहां रहने का कोई अधिकार नहीं है। सेनापति जी महाराज, इस सैनिक के स्थान पर उचित सैनिक को रखा जाए। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। जाओ। अब यहां पे सभी नियमों का पालन किया जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा जिससे हमारे परिवार, हमारे राज्य को किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े, और मैं किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होने दूंगा। विक्रमादित्य नियम, मर्यादाओं और परंपराओं को लेकर बहुत कठोर थे, और ये मीराबाई के जीवन में कठिनाई उत्पन्न करने जा रहा था। मेरा भाभी सा नहीं दिखाई दे रही, उसे भेंट करनी थी, उसे आशीर्वाद लेना था। अरे क्या हुआ, मेरा भाभी सा का नाम सुनते सांप क्यों सूंघ गया? अरे कोई बताएगा मेरा भाई सा कहां है? क्या ये मेरा भाई सा की आवाज है? वो भजन गा रही है? चित्तौड़ की राज परिवार की बहू को ये सब शोभा नहीं देता तो वो इस प्रकार गाना गाएंगी? क्या उनको ये नहीं पता हमारे परिवार की मर्यादा और नियम क्या है? भाई साहब, भाभी साहब के लिए उनके गिरधर गोपाल के साथ संबंध से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, और जब प्रभु प्रेम में रमती है ना तो उन्हें किसी भी नियम, किसी मर्यादा का ध्यान नहीं रहता। चित्तौड़ के राज परिवार की नियमों की अवहेलना करना मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे फिर वो मेरा भाभी सा ही क्यों ना हो। राणा जी सा, इन्हें कुछ मत कहिए, दुखों का पहाड़ टूटा है इन पर, ना माता पिता रहे ना पति, अपना मन भक्ति में लगाकर कुछ गलत तो नहीं कर रहे। हमें उन पर क्रोध करने की जगह उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। हमें इनकी स्थिति, इनकी मनोदशा को समझने की कोशिश करनी चाहिए। राणा विक्रमादित्य सा, अच्छा किया जो चित्तौड़ आते ही आप सीधे मेरे गिरधर गोपाल के पास आ गए। अब आपको इनका आशीर्वाद मिलेगा जो चित्तौड़ के सुशासन में आपकी मदद करेगा। सुशासन तो तभी होगा जब अनुशासन होगा, और चित्तौड़ में अनुशासन राज परिवार से आरंभ होता है। आपके दुखों को देखकर हमने आपकी भूलों को माफ कर दिया। चित्तौड़ का ये राजा अगली बार ऐसा नहीं कर पाएगा। किंतु प्रजा में चर्चा का विषय मत बनिए, ये देवर का अनुरोध है और एक राजा का आदेश।
प्रणाम प्रभु। मंदिर का घंटा बजता तो मंदिर के भीतर है, पर उसकी गूंज को दूर तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। वैसा ही है प्रभु के प्रति मेरी भक्ति और प्रेम। उदा भाईसा, राणा जी ने तो मीरा भाईसा को छूट दे दी। राणा भोजराज की तरह वो भी उन्हें अपने मनमानी करने का मौका दे रहे हैं। इसी बात की चिंता तो मुझे भी है बिंदिया। अगर विक्रमादित्य भाईसा ने भी वही भूल कर दी जो भोजराज भाईसा ने की थी, तो मीरा भाभी सा अब भी राज परिवार की मर्यादा का पालन नहीं करेंगी। इससे पहले कि मीरा भाभी सा कोई ऐसी भूल कर दें जिससे राज परिवार के सम्मान पर सदा के लिए कलंक लग जाए, काश विक्रमादित्य भाई साहब को यह पता चल जाए कि मीरा भाई साहब अपनी भक्ति में किस हद तक जा सकती हैं, क्या कर सकती हैं। मर्यादा की चिंता उदाबाई को थी और अनुशासन की राणा विक्रमादित्य को, किंतु दोनों ही ये नहीं समझ सके कि जिनकी प्रभु भक्ति और प्रेम अलौकिक थे, वो लौकिक बंधनों से बंधी हुई नहीं थी। क्योंकि जिन बंधनों में समाज मीरा को बांधना चाहता था, वो उससे परे थी। वो तो बस एक ही बंधन समझती थी, गिरधर गोपाल से प्रेम का बंधन। तो उस दिन से मीरा मंदिर में गिरधर गोपाल के चरणों में ही रहने लगी। वहीं उनका दिन शुरू होता और वहीं प्रभु की सेवा और पूजा करते करते उनकी रात हो जाती। फिर क्या गजानन, वो मंदिर में रहकर राणा जी के आदेश का पालन कर पाई? मीरा तो बस प्रयास कर सकती थी और वो उन्होंने किया भी, परंतु प्रभु की सच्ची भक्त की महिमा को फैलने से रोकना तो असंभव था। हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा। संत महात्माओं, आशा करती हूँ सेवा में कोई कमी नहीं रही होगी। आपको कोई और सेवा चाहिए क्या? रानी सा, क्षमा करें, पर हम सारंगपुर से आए हैं। हमने प्रभु भक्त मीराबाई की बड़ी ख्याति सुनी है। भक्त मीराबाई नहीं, रानी मीराबाई सा। जल समाधि के चमत्कार के बाद वो हम सब साधु समाज के लिए मीराबाई सा रानी से अधिक भक्त के रूप में जानी जाती हैं। हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमें भक्त मीराबाई और उनके गिरधर गोपाल के दर्शन करवा दें। उदा भाई सा, ये अनुमति दे दी तो अनर्थ हो जाएगा। मीरा बाईसा साधु संतों के संगति में भक्ति के भाव में ऐसे बहती कि वो खुद को ही खो बैठती। आप जैसे साधु संतों के अनुरोध को मैं अस्वीकार कैसे कर सकती? यदि आप मीराबाई से भेंट की इच्छा रखते हैं तो मैं आपको रोकूंगी नहीं। बिंदिया जाओ, मीरा बाईसा से कह दो। खड़ी मत रहो बिंदिया, जाकर मीरा बाईसा को बुलाकर लेकर आओ। मैं तो पहले से ही यहां हूं उदा बाईसा। साधु संत द्वार पर खड़े हूँ और मीरा उनके स्वागत के लिए ना आए, ये कैसे हो सकता है? मेरे गिरधर गोपाल के दर्शन के लिए आप सबका स्वागत है, आइए। वैसा, मुझे लगा कुछ भी हो जाए,
आप अनुमति नहीं देंगी। पानी के बहाव को बांधने से पहले ये देखना आवश्यक होता है कि वो हानि कितनी पहुंचा सकता है। भाभी सा अब कोई मर्यादा लांगी ये मैं नहीं चाहती, इसीलिए अब भाई सा का अपनी आंखों से ये देखना अति आवश्यक है कि भाभी सा अपने भक्ति भाव में किस हद तक जा सकती है। फिर शायद भाई सा के समझाने पर उनके भय से मीरा भाभी सा अपनी मर्यादा में रहकर भक्ति करना सीख ले। प्रभु गिरधर गोपाल की जय। प्रभु गिरधर गोपाल की जय। भक्त मीराबाई सा, आपकी भक्ति की प्रशंसा सुनकर हम यहाँ आए हैं। और आज आपका और आपके गिरधर का दर्शन तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक आपके मुख से गिरधर की भक्ति में लिखे आपके पद न सुन लें। मैं चाहता हूँ कि आपकी आवाज मंदिर के बाहर न जाए। ये देवर का अनुरोध है और एक राजा का आदेश। भक्ति में संकोच कैसा मीराबाई सा? ये पद, इसकी हमने बहुत प्रशंसा सुनी है। पायो जी मैंने राम धन धन पायो। आप सभी ऋषियों के साथ गिरधर की आराधना करना तो अपार हर्ष की बात है। उदा भाई साहब, भाई साहब मैं तो कब से आपको ढूंढ रही थी। वही हुआ जिसका डर था। किसका डर था? क्या हुआ, किसका डर था? ये तो मीरा भाभी सा है, उन्होंने मेरे निवेदन और आदेश दोनों की अवहेलना की है। किंतु स्वामी, आपने उन्हें भजन गाने की अनुमति तो दी है ना? केवल गाने की अनुमति दी है भाभी सा, इसका अर्थ ये नहीं कि उन्हें नाचने की भी अनुमति दे दी है। भाई साहब ने वो वहां साधु संतों के साथ नाच गा रहे हैं, एक रानी होने की मर्यादा को भूलकर। नियम भंग तो होने नहीं दूंगा राज में, ये मैंने पहले ही कह दिया था। भाभी साहब ने ऐसा करके बहुत बड़ी भूल की है। हे महान भक्त मीराबाई, हम साधु संतों का अभिवादन स्वीकार करें। आपके मुख से भजन सुनना हमारा सौभाग्य है। सौभाग्य तो मेरा है जो मुझे आप साधु संतों की सेवा का अवसर मिला। आपकी सेवा और आपके सत्कार के लिए आपका अनेकों धन्यवाद मीराबाई सा। अब हमें अनुमति दीजिए, हमें सारंगपुर जाने की यात्रा प्रारंभ करनी होगी। अब वो दिन दूर नहीं भाई साहब जब चित्तौड़ की रानी को लोग रानी सा नहीं जोगन मीराबाई सा बुलाएंगे। भजन कीर्तन साधु संतों की सेवा वो कुछ भी करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हमारे परिवार की मान मर्यादा को यूं मिट्टी में तो ना मिलाएं। भाई साहब, कहीं आपने भी भोजराज भाई साहब के समान ही भाभी साहब की भक्ति के इस तरीके को स्वीकार तो नहीं कर लिया? परिवार की बदनामी होती है तो हो। योद्धा अपनी तलवार को कक्ष में नहीं चलाते भाई साहब, उनका युद्ध कौशल शत्रु रणभूमि में देखता है। अपने मन का गुस्सा यहां दिखाने का क्या लाभ है? जहां आपको अपने क्रोध का प्रदर्शन करना चाहिए था वहां तो आप चुप रहे, कुछ नहीं कहा आपने। मैंने कुछ नहीं कहा, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं कुछ कहना नहीं चाहता था। मीरा भाभी साहब के आचरण से मुझे भी आपत्ति है,
मैं उन्हें रोकना चाहता था, कठोर संदेश देना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैंने प्रभु की मूर्ति देखी, मेरा क्रोध शांत हो गया, मैं सब कुछ भूल गया। उस मूर्ति में कोई अद्भुत शक्ति है, वो दिव्य है या मायावी, ये मुझे नहीं पता। मेरा भाभी सा जो भी करती है उसका कारण वही शक्ति है। आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? मैं वही कह रहा हूं जो मुझे महसूस हुआ। यदि वो मूर्ति मुझे रोक सकती है तो भाभी साहब को भी प्रभावित कर सकती है। अब हम क्या करें भाई साहब? हमें उस मूर्ति को भाभी साहब से दूर करना होगा, और ये कार्य जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। फूल तो बिखर गए, मैं और फूल लेकर आती हूं, आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। Gopal,